हाय फ्रेंड्स, मु नर्सिंग मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिसा रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम एई वीडियो रे डिस्कशन करबा ओटीटी एग्जाम 2021 पई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट ईवीएस क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, एथरी मु नेई केसि टॉप 25 सिलेक्टेड ईवीएस क्वेश्चन। तो आपण माने आउट ऑफ 25 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निहत भाबे जणाई पारिबे। तो देखने बा कोन रे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रे आपण माने पई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, कोटा गोटाए भूताणु जनित रोग नुहे। तो चारिटा ऑप्शन रहिछि डेंगू, एड्स, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा। तो आपण माने करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी, टाइफॉइड। टाइफॉइडटा गोटाए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया द्वारा टाइफॉइड रोग हुए। तो यहाँ वायरस द्वारा हुए नहीं, बाकी रहा डेंगू वायरस द्वारा, एड्स वायरस द्वारा, आउ इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा। माने डेंगू, एड्स एंड इन्फ्लुएंजा ए तीनटा जाक भूताणु जनित रोग, आउ टाइफॉइड होची बैक्टीरिया जनित रोग। तो से पचारछि कोटा वायरस द्वारा होनी वायरल नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज। तो देखंतु क्षेत्रफल अनुसार क्यों राज्यटी भारतर सबुठारु छोटो राज्य, मेघालय, गोवा, केरला, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर होछि आपन मानर ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा होछि क्षेत्रफल दृष्टिरु भारतर सबुठारु छोटो राज्य, आउ सबुठारु बड़ राज्य होछि राजस्थान। एरिया वाइज सबुठारु बड़ राज्य होछि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द प्लेस विथ हेवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। तो भारतर क्यों जगार प्रचुर मात्रा रे वर्षा हुए, क्यों राज्य प्रचुर परिमाण रे वृष्टिपात हुए, से कौ जगह पचार। तो देखो मायसिनराम मेघालय, चेरापुंजी मेघालय, लोनावाला महाराष्ट्र, आल्पे केरला। तो कौ प्लेस रे कौ जगार अधिका रेनफॉल हो। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, मायसिनराम मेघालय। यही क्वेश्चन आपर ईवीएस सेक्शन रे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया। तो इंडिया रो सबुठारु उच्चतम स्टैच्यू बा प्रतिमूर्ति केउंटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आदियोगी शिवा स्टैच्यू, ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू इन बोधगया, वीर अभय अंजनेया स्टैच्यू। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो टॉलेस्ट स्टैच्यू होची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया रो, एंड वर्ल्ड मध्य टॉलेस्ट स्टैच्यू होची हमरो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग पाई क्यों विटामिन टा सहाय्य करे, विटामिन ए, सी, डी, के। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के आमर ब्लड क्लॉटिंग पाई सहाय्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरीबेरी। तो बेरीबेरी रोगटा क्यों विटामिन अभाव रे हुए, विटामिन B1, B2, B6, B12। तो बेरीबेरी रोगटा आमर जो बेरीबेरी रोग होचे सेटा विटामिन B1 अभाव रे हुए, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो देखंतु निम्नलिखित को खाद्य पदार्थ रे प्रचुर परिमाण रे विटामिन ए रही, स्वीट पटाटो, पोल्ट्री, लेगम्स, डेरी प्रोडक्ट्स। मैंने आमर जो मिल्क है, लौनी है, ये सब आप जानते, आउ पोल्ट्री मैंने आम जो चिकेन फिकेन से गुड़ाक स्वीट पटाटो अधिका रोच। तो करेक्ट आंसर होची आमर जो विटामिन ए टा प्रचुर परिमाण में मिले स्वीट पटाटो रे, ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपर ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चन। तो देखंतु क्वेश्चन टा रही, प्राथमिक विद्यालय गुड़िक विद्यार्थी मानक मध्यरे परिष्कार परिच्छन्नता भिन्न भिन्न मात्रा रे परिलक्षित होइथाय, एहार मापन निमन्ते निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सर्वोत्तम साधनी अटे।
इन द प्राइमरी स्कूल्स क्लीननेस एमंग द चिल्ड्रेन इज ऑब्जर्व इन डिफरेंट डिग्रीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज सुटेबल टू मेजर इट। तो चार ऑप्शन रही चेकलिस्ट केस स्टडी रेटिंग स्केल क्वेश्चनायर। तो देखो आम परिष्कार परिच्छन्नता जो भिन्न भिन्न मात्रा पड़ेगा से मापन करने आम कौन ना रेटिंग स्केलटा जरूरी से आमर जो रोच ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड दिखती बा गुड भेरी गुड सैटिस्फाई भेरी सैटिस्फाई यही से ग्रेड दिखती थ्री पॉइंट रेटिंग फोर फोर पॉइंट रेटिंग फाइव पॉइंट रेटिंग स्केल भी रही। तो आपण रेटिंग स्केल रेटा को करा जाए आमर जो ग्रेडेशन दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सह संपर्कित नुहे। प्रश्नपत्र प्रस्तुति करने समय अपेक्षाकृत सहज और सरल। उत्तर लेखिबा ओ मूल्यांकन बहु समय आवश्यक। परीक्षार्थी निजर स्वाधीन चिंताधारा व्यक्त करथाय। मूल्यांकन रे व्यक्ति निष्ठता रही नथाय। तो देखु ये दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न कही तो कौटा संपर्कित नुहे से पचार। तो देखु प्रथम देखु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सहित कौटा संपर्कित। तो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मैंने से प्रश्नपत्र प्रस्तुत करें बहुत सहज एवं सरल अटे ये ठीक। तापर उत्तर लेखिबा मूल्यांकन बहुत समय लगे। उत्तर लेखिया मैंने लंग क्वेश्चन तो आम लिखा गोटे पेज लिखा तो बे समय बहुत लगुच आए मूल्यांकन कर जो टीचर जो इवालुएसन कर मूल्यांकन करूँ भी समय लगे कहीं ना से पूरा पेपरटा पूरा पढ़ गोटे पेज पूरा पढ़ तो भी समय लगे। तो यहाँ भी ठीक। तापर परीक्षार्थी निजर स्वाधीन चिंता धारा व्यक्त कर लंग क्वेश्चन से निज इच्छा हिसाब से जहाँ किसी लिखिपार निज माइंड रू लिखिपार कि मूल्यांकन में व्यक्ति निष्ठता रही न थाए से पचार व्यक्ति निष्ठता रही थाए। एक्चुअली कौन लंग क्वेश्चन ना जन लंग क्वेश्चन दस मार्क रही तो सहीटा जन टीचर देखिए तो सी ता माइंड तार मेन्टालीटी हिसाब से सी पांच मार्क देपे कि सात मार्क देपे तो सीटा ता डिपेंड करे। तो से व्यक्ति निष्ठता एथे रही थाए ता निर्भर करे से दस रु सात दब कि पाँच दब से देखिए आपण क्वेश्चन आंसर देखिए से दब से व्यक्ति निष्ठता रहे। आप मैंने जो मल्टीपल चॉइस रोचे ऑब्जेक्टिव रोचे वस्तुनिष्ठ रोचे से व्यक्ति निष्ठता रही रही न थाए से रही न थाए से एक मार्क अच्छी तो जी भी सीटा इवालुएसन करेंगे जी भी मूल्यांकन कर एक मार्क ही पाइब आ जो स्टूडेंट से अटेंड करेक्ट आंसर देती से एक मार्क ही पाइब मैंने से व्यक्ति निष्ठता रही न थाए कि व्यक्ति निष्ठता रही थाए कि से कही रही न थाए कही तो यहाँ ता सहित संपर्कित नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन निज रायर पुनर्विचार क्षमता क्यों न्यायालय रही। व्हिच कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज सब जज कोर्ट। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जातीय पाठ्यक्रम 2005 आधार रे आम राज्यर उच्च प्राथमिक श्रेणी गुड़िकर सामाजिक विज्ञान विषय रे केउंटी को अंतर्भुक्त करा जाई नाही। व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी क्लासेस ऑफ आवर स्टेट अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ईवीएस ना ज्योग्राफी ना हिस्ट्री ना पॉलिटिकल साइंस। तो करेक्ट आंसर होची देखंतु आमर अपर प्राइमरी स्कूल बा उच्च प्राथमिक विद्यालय रे पॉलिटिकल साइंस अच्छी हिस्ट्री अच्छी ज्योग्राफी अच्छी किंतु आमर ईवीएस परिवेश विज्ञानटा से अंतर्भुक्त नाही। आमर जो एनसीएफ 2005 अनुजाई आमर अपर प्राइमरी लेवल रे ईवीएस को अंतर्भुक्त करा जाई नाही। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज द लास्ट फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो केउंटी भारतर स्वाधीनता संग्राम शेष पर्याय से पचारी। तो चंपारण मूवमेंट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगस्त रिवॉल्यूशन। तो आमर भारतीय स्वाधीनता संग्राम शेष पर्याय होची अगस्त विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वराज दल क्यों माने गठन करथिले। हु डिड फॉर्म द स्वराज पार्टी। तो रही मिलिटेंट नेशनलिस्ट खिलाफथिस्ट प्रोचेंजर नो चेंजर।
तो स्वराज पार्टी को गढ़ी थिले प्रो चेंजर्स परिवर्तनगामी गोष्ठी स्वराज दल को गठन करथिले। एथिरे किए थिले ना सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। एग्जाम में भी आसी पारे ऑप्शन आपन अलग दे थिबो एडी आपन जो ए सब ऑप्शन काटिक आप मानको दे थिबो सी आर दास दे थिबो किंबा मोतीलाल नेहरू दे थिबो गोटे ऑप्शन रे बाकी गुडा अलग सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री ए सब दे थिबो तो सेथिरे आप मानको सी आर दास दे थिबो तो सी आर दास को मारिबे किंबा मोतीलाल नेहरू दे थिबो तो मोतीलाल नेहरू को क्लिक करिबे। तो मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ए दुई जन होंगे प्रो चेंजर्स लीडर। तो यही दुई जन करते तो ये आप ना न पचारिक दल पचार तो ये प्रो चेंजर्स हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिड कन्फेयर द टाइटल महात्मा ऑन गांधीजी। गांधीजी को किए महात्मा उपाधि प्रदान करते तो करेक्ट आंसर होची कौन देखो फ्रंटियर गांधी ब्रिटिश गवर्नमेंट रवींद्रनाथ टेगोर लाला लाजपत राय। तो गांधीजी को महात्मा उपाधि दे थिले रवींद्रनाथ टेगोर। महात्मा होची गोटे सांस्कृत वर्ड। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हुज प्रायर परमिशन इज नेसेसरी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। तो अर्थ बिल संसद रे आगत हेबा आगरु कहार अनुमति आवश्यक स्पीकर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट। तो देखंतु अर्थ बिल संसद रे आगत हेबा आगरु राष्ट्रपतिंकर अनुमति आवश्यक होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ नदी उपत्यका द्वारा दक्षिण भारतर मालभूमि दुई भागरे विभक्त होइअछि। By which river valley is the South Indian plateau bifurcated into two segments? Mahanadi, Narmada, Godavari, Son. तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नर्मदा नदी उपत्यका द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि को दुई भाग विभक्त करा जायछि बा होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन which river valley project is on the river Chambal? तो चंबल नदी रे केउ नदीबंध योजना रही। तो गोविंद सागर नागार्जुन सागर राणा प्रताप सागर सरदार सरोवर डैम। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप सागर। तो चंबल नदी रे राणा प्रताप सागर डैम रो निर्माण करा जाई। तो बाकी ऑप्शन गुड़ मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखंतु गोविंद सागर डैम ये हूँ आपण मानक कौटी ना यहाँ हूँ आपण मानक सतलेज नदी उपरे सतलेज नदी उपरे निर्माण करा गोविंद सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम ये हूँ आपण मानक कृष्णा नदी आ राणा प्रताप सागर होगा ये आपण मानक चंबल नदी आ ये सरदार सरोवर डैम ये होगा आपण मानक नर्मदा रिवर नर्मदा आपण मैंने जानते नर्मदा नदी रे सरदार सरोवर बिहार जो रही आम स्टैच्यू ऑफ यूनिट को निर्माण करा अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित। तो सरदार सरोवर डैम को निर्माण करा नर्मदा नदी राणा प्रताप सागर चंबल नदी नागार्जुन सागर कृष्णा नदी गोविंद सागर सतलेज नदी। इंपोर्टेंट रहिबो समस्त पॉइंट एग्जाम पाए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट ए कैश क्रॉप। तो कोटा गोटे कैश क्रॉप नुहे कोटा गोटे अर्थकारी फसल नुहे सुगर केन मैच कॉटन जूट। तो देखंतु आपण मानकर अर्थकारी फसल कोटा नुहे से पचार। तो देखंतु आखु गोटे अर्थकारी फसल कपा गोटे अर्थकारी फसल झोट गोटे अर्थकारी फसल ए तीनटा जाक आपण मानकर कैश क्रॉप किंतु मक्का जहाँ मेज कहते सेटा अर्थकारी फसल नुह से गोटे फूड क्रॉप माने खाद्य शस्य जातीय पदार्थ अटे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउंटी ग्लोब रे ठीक भाव दर्शा जाई पारिबो नाही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैनॉट बी प्रॉपर्ली शोन ऑन ए ग्लोब। स्मॉल लैंडफॉर्म्स डायरेक्शन लोकेशन शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो देखंतु आमे ग्लोब रे दिग गुड़ाक देखे डायरेक्शन देखे परिबा लोकेशन गुड़ा देखे परिबा महादेश गुड़ आकृति गुड़ देखे परिबा किंतु क्षुद्र भूमि रूप को आमे ग्लोब रे देखा असंभव बा देखे परिबा नाही। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू प्रिपेयर बट इट्स इवैल्यूएशन इज क्विक करेक्ट एंड इजी। तो कौन कही क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करवा जटिल एवं समय सापेक्ष किंतु मूल्यायन द्रुत निर्भुल एवं सहज होता है एकदम इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपर कौर आप सी डी सेक्शन में देखा मिलता है। तो देखु आपर मल्टीपल चॉइस रही शॉर्ट आंसर रही वेरी शॉर्ट आंसर रही लॉन्ग आंसर रही। तो यहाँ आपर कौन हम ना मल्टीपल चॉइस बहु विकल्प यही क्वेश्चन को प्रस्तुत करने समय लगुच जटिल एवं समय सापेक्ष किंतु आमर मूल्यायन करने द्रुत द्रुत मूल्यायन हो कहीं तरह गोटे निर्दिष्ट उत्तर रोच तो सीटा आराम से आप फर्स करेंगे से लंग टाइप क्वेश्चन है जे आप देखा पड़ो तो आराम से करें निर्भुल रोज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर बहु विकल्प प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों उपग्रह 1975 अप्रैल 19 रे महाकाश को पठा जाइथिला। व्हिच सैटेलाइट वाज सेंट टू स्पेस ऑन 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट, एपेल, जेरलिना, भास्कर वन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केउंटी भारतर उच्चतम नदीबंध अटे। कोटा भारतर उच्चतम नदीबंध। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ऑफ द डैम्स इन इंडिया। तो इंडिया रो टॉलेस्ट डैम कोटा से पचारी चार ऑप्शन रही भाक्रा, कोयना, पोंग, तेहरी। तो करेक्ट आंसर हो तेहरी डैम। तेहरी डैम जहाँकि उत्तराखंड अवस्थित तेहरी डैम हूँ इंडिया सबुठ टॉलेस्ट डैम। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लार्ज नंबर ऑफ लगुन्स नोटिस्ड। भारतर निम्नोक्त क्यों उपकूल रे अनेक गुड़िए उपह्रद देखा मिले बा देखा जाए। करमंडल, तो देखो चार ऑप्शन रही करमंडल, कंकण, मालाबार, ओडिशा। तो करेक्ट आंसर होची मालाबार कोस्ट केरला। केरला मालाबार कोस्ट रे सही कोस्ट रे अनेक गुड़े उपह्रद देखा जाए। ऑप्शन नंबर सी हूँ आप करेक्ट आंसर मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत केबे स्वाधीनता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारत रे केबे प्रथम स्वाधीनता संग्राम संगठित होता। When was the first struggle for independence organized? तो भारत प्रथम स्वाधीन संग्राम के आरंभ होता 1857, 1920, 1930, 1942। तो आमर भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम आरंभ होता 1857 1857 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी भूताणु जनित रोग नुहे। व्हिच इज नॉट ए वायरल डिजीज। स्वाइन फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स, चिकनगुनिया। तो कोटा वायरस द्वारा बा वायरल डिजीज नुहे से पचारी। तो देखो चार ऑप्शन रही तो आप सठिक आंसर होची ट्यूबरकुलोसिस। तो देखो स्वाइन फ्लू एटा गोटे आपर वायरल डिजीज वायरस द्वारा हुए। तो स्वाइन फ्लूटा वायरस द्वारा हुए आउ मिसल्स वायरस द्वारा हुए आउ चिकन गुनिया एटा मध्य वायरस द्वारा हुए किंतु ट्यूबरकुलोसिस ये होची बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिला आज टॉप 25 क्वेश्चन। तो आपण मैंने आउट ऑफ 25 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहत भावे जनइबे। जदि भिडियोटी भल लगुता है ताहा ले हृदय गोटे गोटे लाइक करेंगे एवं अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।